हाथरस जिले की रुई की मंडी स्थित मंदिर ठाकुर कन्हैयालाल जी महाराज के 169वें वार्षिक महोत्सव पर 21 अगस्त से साप्ताहिक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भगवान कथा के चौथे दिन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कथावाचक आचार्य पंडित सरवन कुमार भारद्वाज के द्वारा कृष्ण जन्म उत्सव का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कथा में श्री कृष्ण का जन्म होते ही कथा सुनने पहुंचे भक्त कृष्ण भगवान के भजनों में झूम लगे। कथावाचक आचार्य पंडित सरवन कुमार भारद्वाज ने बताया कि हाथरस धर्म की नगरी है। मंदिर ठाकुर कन्हैयालाल जी महाराज हाथरस के 169वें वार्षिक महोत्सव में उनको भागवत कथा कराने के लिए उन्हें हाथरस बुलाने के लिए मेला कमेटी के अध्यक्ष पवन सिंह पौरुष, कोषाध्यक्ष देवेश कोशिश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, महामंत्री राजकुमार कोठीवाल का धन्यवाद करता हूँ। ये हाथरस की पावन भूमि है, भक्तों की भूमि है और रुई की मंडी में ठाकुर श्री कन्हैयालाल जी महाराज के मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है। आज कथा में श्री ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया गया और मुझे भी इस क्षेत्र में आकर के, भक्तों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप को गर्वित कर रहा हूँ कि हाँ, हाथरस जैसी पावन भूमि पर ये कथा हो रही है और भक्त बड़ा आनंद ले रहे हैं। जैसे कि आज जन्म हुआ है, अभी शेष कथा कितने दिन? देखिए, शेष कथा अभी 3 दिन की शेष कथा और है। कल कथा में गिरिराज जी महाराज का पूजन होगा, परसों श्री रुक्मिणी मैया और बिहारी जी का विवाह होगा और उससे आगे श्री सुदामा जी का चरित्र होगा और भागवत जी का अंतिम उपदेश कथा विश्राम होगी यहाँ हाथरस में। देखिए, यहाँ जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ प्रतिवर्ष ठाकुर जी का यह जन्मोत्सव मनाया जाता है, मंदिर का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है। अब के मुझे भी मौका दिया है यहाँ की मंदिर कमेटी के द्वारा से, मैं आचार्य सरवन कुमार भारद्वाज इस बात का ऋणी हूँ कि भक्तों ने मुझे भक्तों के बीच में बैठाया है यहाँ और मुझे भी ठाकुर जी की चरणों की सेवा करने का मौका दिया है इस हाथरस में।